अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं FirstBite.tv। आइए रुख करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की। इजराइल हमास जंग गाजा में अब तक 2800 से ज्यादा मौतें। मध्य प्रदेश कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 500 में देंगे सिलेंडर। मुंबई एयरपोर्ट से आज उड़ान नहीं भरेंगी फ्लाइट्स, 6 घंटे के लिए पाबंदी। लखनऊ में सपा के पूर्व विधायक सहित 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। समलैंगिकता नेचुरल है, इसके साथ भेदभाव ना हो, सुप्रीम कोर्ट। अब खबरें विस्तार से। हमास के हमलों से इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 3400 लोग घायल हैं। इसके अलावा गाजा में इजराइल के हमलों से अब तक 2800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 11000 के करीब घायल हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को हर महीने 1500 देने का ऐलान। गैस सिलेंडर 500 में दिया जाएगा, बिजली 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ दर पर देंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर आज 6 घंटे के लिए फ्लाइट्स ऑपरेशन रद्द रहेंगे। हवाई अड्डे को अस्थायी तौर पर बंद करने का मकसद रनवे की मरम्मत और रखरखाव करना है। लखनऊ में अवैध जमीन पर कब्जा करने के आरोप में सपा के पूर्व विधायक राजेंद्र यादव, पूर्व कांग्रेस नेता सहित 22 लोगों को चिन्हित कर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, ये नेचुरल है, केंद्र और राज्य सरकार भेदभाव खत्म करे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.tv।